इस डिलीशियस गाजर के हलवे को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं। ये 4 किलो गाजर हैं जो धो के साफ करके कद्दूकस करके रखी हैं। 1 किलो मावा लिया है, 8-10 छोटी इलायची हैं और 100 ग्राम मैंने लिया है काजू की टुकड़ी, 100 ग्राम काजू साबुत, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश और ये 1 किलो चीनी। ये सारा सामान गाजर के हलवे में लगेगा, तो चलिए देख लेते हैं। सो दोस्तों, मैं सत्यम चौहान, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फूड एंड पेटल्स विद सत्यम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए। गैस जलाई है मैंने और इस पर रखूंगी मैं जंबो कढ़ाई। ये लोहे की कढ़ाई हमारे जब ज़्यादा सामान बनता है तभी निकलती है स्टोर में से, और ये कढ़ाई धो के साफ करके मैंने देखिए घी डाला है इसमें 1 बड़ा चम्मच। ये 5 किलो हलवा बनेगा, इसमें घी सिर्फ 2 चम्मच ही डालूंगी मैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी और टेस्टी हलवा बनने वाला है। इसमें भुनेंगे गाजर। गाजर को हम थोड़ा सा जो क्रंचीनेस होती है ना वो आने तक भुनेंगे, हल्का हल्का सा, जिससे गाजर में शाइन भी बनी रहे और हल्की सी क्रंचीनेस आए। इसको भूनते जाएंगे जब तक इसका थोड़ा थोड़ा पानी निकलता जाए। और इस स्टेज पे डालूंगी इसमें मैं चीनी, थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें चीनी डालूंगी। ये 1 किलो चीनी मैंने डाल दी है। 4 किलो गाजर है, 1 किलो मावा है, उस हिसाब से 1 किलो चीनी एकदम परफेक्ट नाप है इसका, बहुत सही टेस्ट आएगा इसका, जो मिठास है वो एकदम परफेक्ट रहेगी। अगर आप बहुत कम खाते हैं तो इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। और चीनी मिलाने के बाद ये देखिए इसमें गाजर का जो जूस निकला है इसको निकालना नहीं है, इसी में मैश करते रहना है, पानी जला लेना है। और ये देखिए चलाते चलाते पानी जल चुका है, और मावा डाल दिया है मैंने 1 किलो, और मावे को मैश होने तक पकाएंगे। धीरे धीरे से मैश करते जाएंगे, क्योंकि ये कढ़ाई बड़ी है इसीलिए इसमें अच्छे से हाथ चल रहा है बनाने के लिए, बिल्कुल हलवाइयों के जैसे, और स्वाद भी वैसा ही आने वाला है। अच्छे से ये जो खोया है मिल जाए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी से है ना इसमें जो हलवा है इसमें चमक आती है और स्वाद तो इसका बहुत अच्छा रहता है। ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं मैंने, कूट के रखे थे, इलायची डाल दी है। गाजर का हलवा हमारा बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।